अगर BSNL बंद हुई तो आप भी हो जाएंगे कर्जदार। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि भाई तुमने ये लाइन क्यों बोली कि अगर BSNL बंद हो गया तो हम लोग कर्जदार हो जाएंगे। कर्जदार आप क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि जियो के आने से पहले एयरटेल हमसे 2 GB डेटा के लिए 250 रुपए वसूलती थी। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर लीजिए। वैसे अगर मुझे कहीं मिलता है तो मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा कि आपको 2 GB डेटा के लिए लगभग 200 से 300 रुपए जो है एयरटेल चार्ज करती थी। इस टाइम पे अगर आप सस्ते रिचार्ज और सस्ते डेटा और सस्ते कॉल रेट्स पा रहे हैं तो सिर्फ BSNL की वजह से पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो जियो ने अपना रिचार्ज 3 महीने का रखा था 399 रुपए में रखा था, फिर उन्होंने जो प्लान रखा वो रखा 555 रुपए का, फिर अभी उन्होंने प्लान वही सेम कर दिया 666 रुपए का। तो देख रहे हैं ना 2018, 19, 20 लगभग इन्हीं 3 सालों में उन्होंने कितने सारे चेंजेस किए हैं, और वो चेंजेस किए हैं 100-150 रुपए के। तो आपके लिए 100-150 रुपए होगा, लेकिन आप सोचिए कि जियो के पास 42 मिलियन सब्सक्राइबर है और 42 मिलियन से वो 150-150 रुपए लेगा तो उसका कितना रेवेन्यू बनेगा, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना फायदा होगा जियो। तो वहीं पे हम लोग बात कर रहे थे BSNL के बारे में कि BSNL है तो सब कुछ है। आज की इस वीडियो में मैं यही प्रूफ करने वाला हूँ कि BSNL है तो सब कुछ है। BSNL आज भी आपको 10 रुपए में 7 रुपए का टॉक टाइम देता है, जो कि जब से कंपनी लॉन्च हुई थी तब से दे रहा है। BSNL आज भी 100 रुपए के अंदर अनलिमिटेड कॉलिंग प्रोवाइड करता है। BSNL आज भी 300 रुपए के अंदर आपको अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड करता है। BSNL आज भी 500 के रिचार्ज के नीचे आपको 5 GB पर डे 84 डेज का प्लान विद अनलिमिटेड कॉलिंग एंड 100 SMS पर डे। यानी BSNL जो है काफी कुछ कर रहा है अपने यूजर्स के लिए। उसने 500 रुपए में काफी सारे बेनिफिट्स दिए, 300 रुपए में काफी सारे बेनिफिट्स दिए, 200 रुपए में काफी सारे बेनिफिट्स दिए, और आपको बेनिफिट पे बेनिफिट ही BSNL देते आ रही है। हालांकि वो बात अलग है, कुछ लोग के यहाँ BSNL के नेटवर्क नहीं आते, लेकिन जिनके यहाँ आते हैं उनके लिए एक वरदान से कम नहीं है। तो अगर आपको BSNL के अच्छे नेटवर्क आते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या आप उसका 4G यूज कर रहे हैं। अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें मैंने बताया है कि आप 4G जो है वोल्टिक कैसे एनेबल कर सकते हैं अगर आपके एरिया में है तो। और जो लास्ट तक ये वीडियो देख रहे थे लेकिन उनका BSNL सिम में जो है नेटवर्क ही नहीं आता तो वो क्या करें भाई, सिर्फ 2 से 3 महीने रुक जाओ, सिर्फ 2 से 3 महीने टाटा को काम करने दो। टाटा ने जो BSNL का जो ठेका लिया है, आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो टाटा ने कई जगह पे है जो 4G रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते होंगे, कमेंट्स पढ़ते होंगे, तो उसमें कई लोगों ने बोला है कि उनको 4G मिल रहा है, अच्छी खासी स्पीड मिल रही है, अगर 4G नहीं भी मिल रहा तो 3G की स्पीड पहले से बेटर हो गई है। तो टाटा अपने क्षेत्र में जो है काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, और जिनके यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था उनसे मैं यही कहूंगा कि थोड़ा और वेट कर लो, आपको और अच्छे नेटवर्क मिल जाएंगे। तो यार काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो है वीडियोस को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल। यार चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, जो रेड कलर का बटन है उसको ग्रे कर दो, और जो साइड में बेल आइकन आए उसको भी दबा देना। तो भाई आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।